लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते। पासा उल्टा पड़ गया भांजे, पासा उल्टा पड़ गया। अपना पासा आप अपने पास ही रखिए मामा श्री, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अब एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। तो क्या कर लोगे, तो क्या कर लोगे भांजे? मामा श्री, इससे पहले कि पांडव हस्तिनापुर में अपना हिस्सा ले, इससे पहले कि हमारी प्रजाजन उनकी स्तुति गाने लगे, इससे पहले कि हमें उनका अधिकार देने के लिए बाध्य होना पड़े, इससे पहले मामा श्री हमें कुछ करना होगा। मैं हस्तिनापुर तो क्या, हस्तिनापुर की एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा माने नहीं दूंगा मामा श्री। उतावले ना हो भांजे, उतावले ना हो। यदि बिना सोचे समझे पासा फेंकोगे ना तो पासा सदैव उल्टा ही पड़ेगा। उतावले पन में आकर तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए कूदने की क्या आवश्यकता थी भांजे? कितनी बार समझाया दुर्योधन कि शीघ्रता मत करो, किंतु तुम्हारी बुद्धि में घुसे तब ना। ये उसी शीघ्रता का परिणाम है कि तुम जिस पांचाल नरेश द्रुपद से हार कर भाग आए थे ना भांजे, उसी द्रुपद को ये कुंती पुत्र अर्जुन बंदी बनाकर ले आया। अब अपना अपमान करवाने की तो तुमने स्वयं ही पूरी योजना बना ली। बार बार की इस प्रताड़ना की कड़ी को काटने का तुम्हारे इस मामा ने पूरा प्रबंध कर लिया है। क्या प्रबंध किया है मामा श्री, खुलकर बताइए मुझे। मैं खुलकर ही बता रहा हूं प्रिय भांजे। कुंती सहित इन पांचों पांडवों को मैंने वारणापत भेजने का पूरा प्रबंध कर लिया है। महाराज की जय हो। राजकुमार युधिष्ठिर आपसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। पुत्र युधिष्ठिर, आयुष्मान बाबा, आओ बैठो। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने हमें बुलाया। हां पुत्र युधिष्ठिर, तुम सबकी दीक्षा पूर्ण हो गई है, गुरु दक्षिणा का दायित्व भी पूरा हो गया है। जी हां, आपके आशीर्वाद से सब कुशल रहा। इतने वर्षों की दीक्षा के पश्चात अब तुम सबको अवकाश प्राप्त हुआ है। इन अवकाश के क्षणों का पूर्णतः लाभ उठाने के लिए ही हमने तुम सबको वारणावत भेजने की योजना बनाई है। जैसी आपकी आज्ञा। परंतु अकस्मात ही वारणावत जाने की योजना कैसे बन गई? नहीं पुत्र, यह योजना अकस्मात नहीं बनी, इस पर निर्णय अवश्य अकस्मात हुआ है। वारणावत के प्रजाजन लंबी अवधि से अपने पांडव राजकुमारों के दर्शनों को लालायित हैं। वे इसके लिए कई बार हमसे प्रार्थना भी कर चुके हैं, परंतु तुम सबकी व्यस्तता के कारण हम उनकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए। अब तुम लोग वहां जाकर उनकी ये इच्छा पूर्ण कर दो, और हां माता कुंती को भी अपने साथ अवश्य ले जाना। पुत्र युधिष्ठिर, वारणावत से लौटते ही तुम्हारे अधिकार हम तुम्हें सौंप देंगे। पुत्र दुर्योधन की भी यही इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाकर यह प्रसन्नता का समाचार अपनी माता और अनुज को सुनाता हूं। अच्छा, अनुमति चाहता हूं।
शीघ्र ही वारनावत जाने की तैयारी करूंगा। प्रणाम। आयुष्मान भवा पुत्र, प्रसन्न रहो। भ्राताश्री, ये अचानक वारनावत जाने की योजना कैसे बन गई? कहीं इस निर्णय के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? प्रिय भीम, हर बात में षड्यंत्र की आशंका को देखकर तुम व्यर्थ ही अपने हृदय को भ्रमित कर रहे हो। भ्राताश्री, दुर्योधन और दुशासन ने हमारे साथ इतने षड्यंत्र रचे हैं कि अब इनके हर बात में षड्यंत्र का आभास होने लगा है। यह आदेश दुर्योधन या दुशासन का नहीं अपितु ज्येष्ठ पिताश्री का है। उन्होंने हमसे यह भी कहा है कि वारनावत से लौटकर आते ही वह हमें युवराज बना देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री ने युवराज बनाने का आश्वासन दिया और दुर्योधन ने कोई आपत्ति नहीं की? यही तो मैं बता रहा हूं। इस बात के लिए दुर्योधन ने भी ज्येष्ठ पिताश्री को अपना समर्थन प्रदान किया है। यह तो आश्चर्य है। इसीलिए कहता हूं यह कोई षड्यंत्र नहीं, ज्येष्ठ पिताश्री का अनुराग और प्रेम है। भ्राताश्री, क्या आप जानते नहीं कि ज्येष्ठ पिताश्री दुर्योधन के कहे अनुसार ही निर्णय लेते हैं? और क्या यह संभव नहीं कि इस आदेश के पीछे मामा शकुनी या उस सारथी पुत्र कर्ण की कोई कुटिल मंशा छिपी हुई हो? नहीं भीम, दुर्योधन का षड्यंत्र और मामा शकुनी की कुटिलता तो सर्वव्यापी है, परंतु इसमें कर्ण की कोई मंशा हो यह संभव नहीं। मैं नहीं मानता कि कर्ण जैसा योद्धा दुर्योधन को किसी ऐसे षड्यंत्र में सम्मिलित होने की अनुमति देगा। कर्ण के विषय में तो मैं ये कह सकता हूं कि अधर्म की परछाई भी उसे छू नहीं सकती। अधर्म के विरुद्ध वो दुर्योधन तो क्या, विधाता से भी संग्राम छेड़ते। कर्ण अपनी उपस्थिति में ऐसे किसी षड्यंत्र को संपन्न होने देगा मैं नहीं मानता। भ्राताश्री, षड्यंत्र तो कर्ण की अनुपस्थिति में भी रचा जा सकता है। षड्यंत्र की संभावना ही ना हो यह भी तो संभव है। अब अपने मन मस्तिष्क से सारी शंकाएं दूर करो और वारनावत चलने की तैयारी करो। जो आ गया भ्राताश्री।